सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू इंडियाज बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर आईटी जेई केमिस्ट्री एडवांस्ड। एंड दिस सीरीज कंप्राइजेज ऑफ सम ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम्स टेकन फ्रॉम द पास्ट पेपर्स ऑफ एनएसईसी एंड जेई मेंस। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दीज वीडियोज इज द इन डेप्थ कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन फॉर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। एंड फॉर दैट रीजन यू गाइज मस्ट वॉच द वीडियोज टिल एंड। एंड इफ यू फील कंफर्टेबल विथ these comparatively simple problems, you must go out of your comfort zone and try out our real JEE advanced question series, where you get tough but relevant problems of JEE advanced plus level. And I am 100% sure that if you follow this series followed by real JEE advanced question series, you will get a boost in your IIT JEE score, and this channel will ultimately increase competition among all IIT JEE aspirant across India. So hello guys, here I am with part 13 of the series and taken a question from solid states JEE mains 2019. देखो solid state से वैसे जो normally question आते हैं वो बहुत dull से होते हैं, ज़्यादा charm नहीं होता उन questions में, but ये भी कोई बहुत खास नहीं है, but mains के standard से ठीक question है। आप given time पे अगर बनाते हो तो अच्छी बात है। question आप पढ़िए, BCC unit cells दिए हुए हैं और आपको ये बताया है कि जो B का radii है वो ए के रेडाए से डबल है और इसकी जो एज लेंथ है ये 50% इस एज लेंथ से ज्यादा है, इसके कंपैरेटिव यहां इसकी बात हो रही है। और आपको बताना है कि इस वाले सॉलिड का अप्रोक्सीमेट पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा। बढ़िया है, चलो करते हैं सॉल्व। थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो मैं कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर रहा हूं, आप अपने हिसाब से करिए फिर आंसर देख लीजिएगा। तो कंसेप्ट यहां पे ये है कि हमें चाहिए क्या, हमें इसका पैकिंग एफिशिएंसी चाहिए। पैकिंग एफिशिएंसी सिंपली 4π/3 पाई आर ए क्यूब प्लस 4π/3 पाई आर बी क्यूब, मैं ए और बी के रेडाए ऐसे मान रहा हूं, डिवाइडेड बाय ए टू। इसको मैं ए टू मान रहा हूं, उसको ए वन मान रहा हूं, दोनों के एज लेंथ की बात कर रहा हूं। ए टू का क्यूब, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूं क्या? हाँ, देखो आर बी जो है वो आर ए का डबल है ना, ये पता है। आर बी जो है वो 2 times ऑफ आर ए है। जस्ट यहां मैं पुट करूंगा, आई विल गेट 8 RA³ एंड दिस विल बी 8 RA³ एंड दिस विल बी 32 + 4 दैट इज 36/3 एंड दैट विल बी 12π। यस, दिस विल बी 12π RA³ 12π RA³ अपॉन ए टू क्यूब लाइक दिस, ये मुझे मिल रहा है, दिस इज पैकिंग एफिशिएंसी। हाँ, फिर इसको आप 100 से इंटू कर देना तो परसेंटेज में आ जाएंगी चीजें, परसेंटेज पूछ रहा है तो वो आप इसको करिए इंटू। तो अब व्हाट वी नीड नाउ, वी नीड ए टू इन टर्म्स ऑफ आर ए, बस वो चाहिए अपने को। कोई बड़ी बात नहीं, आप यहाँ पे देखिए इसको, इसका बॉडी डायगनल देखिए आप, दिस इज द बॉडी डायगनल एंड बॉडी डायगनल which is a2 root 3 a2, this is body diagonal of that cube and it is equals to 2 times of ra plus 2 times of rb and rb is again twice of ra, this will be 6 ra. bahut simply ye ho jayega 6 ra, and if this is 6 ra, you can easily write a2 is equals to 2 root 3 ra. ए टू इज 2 root 3 ra, जस्ट पुट इट ओवर देयर एंड 2 root 3 का क्यूब चाहिए मुझे, तो ये होगा कुछ 12π RA³ अपॉन 2 root 3 का क्यूब, दैट विल बी 8 × 3 × √3 एंड ra³ × 100 एंड ये अब हो जाएगा 2, सो पाई अपॉन 2 root 3, ra³ कैंसिल, ra³ कैंसिल, पाई अपॉन 2 root 3 दैट इज 3.14 अपॉन 2 root 3, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 90%। वो आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लेना। यस, सो द करेक्ट आंसर इज 90%, ऑप्शन नंबर बी। उतना बुरा नहीं था, मेंस के स्टैंडर्ड से ठीक था, थोड़ा बहुत हाथ चलाना पड़ा इसमें, है ना। ओके, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।